हे गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल, बाई प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं गाइस? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। और मेरे चैनल पर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। आज मेरे साथ जो मेरी स्टूडेंट है, मैंने उनको अपनी कार से 10 से 12 डेज सिखाया, बट उन्होंने जो कार ली वो ऑटोमेटिकली फुल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल नेक्सॉन, टाटा की नेक्सॉन, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी। तो आज उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ऑटोमेटिक चलाना कितना आसान है, तो किन किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये गाड़ी आप देख सकते हैं फुल टॉप मॉडल है, नेक्सॉन टॉप मॉडल जी, और बहुत ज़बरदस्त इसके फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। वेंटिलेशन सीट है और सनरूफ है, इसके अंदर फ्रिज भी है। हेलो मैम, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? सौम्या। ओके, कितने डेज़ आपने मेरे पास कार सीखी? 15 डेज। ओके, और आज कौन सी कार चलाने जा रही हैं? टाटा नेक्सॉन टॉप मॉडल। आपने अपनी सीट एडजस्ट कर ली? सीट बेल्ट लगाया? सीट बेल्ट डालिए, क्योंकि सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो एयर बैग होते हैं ना, ये एयर बैग सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तो ओपन नहीं होंगे। अगर कभी भी बाय द वे कभी गाड़ी टकराती है, कुछ भी होता है, अभी थोड़ा सा सीट पीछे कर लो अपनी, पूरी पीछे ले जाऊँ रॉड उठा के, हाँ वहीं से, हाँ पूरी फुल पीछे, ठीक है। चलो, सो गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर दो ही पैंडल हैं, एक्सेलेटर और ब्रेक। A4 एक्सेलेटर, B4 ब्रेक, क्लच वाला पैंडल नहीं है क्योंकि इसमें क्लच की ज़रूरत नहीं होती, ब्रेक के अंदर ही क्लच होता है, वन टाइम गियर डालना होता है। राइट वाला एक्सेलेटर है और लेफ्ट वाला जो है वो ब्रेक है, और ये इसका गियर लीवर होता है। ये देख रहे हैं इसमें आप, R4 रिवर्स, M4 न्यूट्रल और D4 ड्राइव। इसमें आपका M और A प्लस और माइनस है, और ये इसका गियर लीवर है। यहाँ पे इसको आप ब्रेक दबाइए ज़रा, पहले सीट एडजस्ट कर लीजिए, वापस सीट आगे कर लो, और स्लीपर हटा दो अपने, स्लीपर पहन के मत चलाना, क्योंकि अभी इसको फर्स्ट टाइम चलाने जा रही हूँ ना, तो थोड़ा टच फील, और ये ऑटो स्टार्ट है। जब भी पैरों के नीचे कुछ है तो नहीं, वो पैर रखो, इस पैर का यूज़ नहीं है सौम्या जी, ये गलती हो जाएगी। अगर इस पैर को आप इसमें यूज़ करोगे ना, तो ब्रेक की जगह एक्सेलेटर दब जाएगा। लेफ्ट वाले पैर का अब इसमें कोई काम ही नहीं है। जब मेरी कार चला रही थी आप, तो राइट वाले पैर से क्या क्या इस्तेमाल करती थी? ब्रेक और एक्सेलेटर। लेफ्ट वाले से क्लच, तो इसमें तो क्लच है नहीं, तो लेफ्ट वाले पैर का कोई रोल ही नहीं है। अभी राइट वाले पैर से एक्सेलेटर टू ब्रेक, एक्सेलेटर टू ब्रेक। अब एक चीज़ और भी इसमें ये है कि इसमें जब तक कि आप ब्रेक नहीं दबाओगे तब तक गियर नहीं लगेगा, और तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अभी जैसे ब्रेक दबाओ और यहाँ से ऑफ कर दो इसको, इंजन को ऑफ कर दो, बस ऑफ हो गई गाड़ी, ठीक है, ऑफ हो गई। अब स्टार्ट करो, अभी ब्रेक पे पैर मत रखना, ब्रेक पे पैर मत रखो, ब्रेक दबाना नहीं, स्टार्ट करो जरा। स्टार्ट हो रही है? नहीं होगी। जैसे स्कूटी में जब तक आप ब्रेक नहीं दबाते हो तब तक स्टार्ट नहीं होती, वैसे इसमें भी। अभी आप ब्रेक दबाओ, अब स्टार्ट करो, हो गई। ब्रेक दबाना कंपलसरी है, और जब तक आप ब्रेक नहीं दबाओगे तब तक गियर भी नहीं लगेगा, ठीक है। अभी राइट वाला मिरर चेक करो, दिख रहा है आपको प्रॉपर? सेट है, थोड़ा तो और करना, एडजस्ट करना। किस साइड में? पीछे की तरफ। तो देखो वहां माउस लगा इसका, वो देखो, हाँ ऊपर, उसको राइट को घुमाओ पहले, राइट को आर की तरफ। अब उसको माउस की तरीके से यूज करो, जिधर आपको शीशा ले जाना है, जिस साइड लेके जाना, ऊपर तो ऊपर, नीचे जैसे जैसे भी करना, उस माउस की तरीके से उसको यूज करोगे, हो गया। अब उसको ऑफ करो, बीच में ऑफ कर दो, लट्टू बीच में, वैसे लट्टू घुमाओ, बस अब ये ऑफ हो गया। और लेफ्ट वाला देखो, सेट है, प्रॉपर है, कंप्लीट, थोड़ा सा हाँ, तो लेफ्ट, अभी पहले उसको लेफ्ट घुमाओ, गुड। अब लेफ्ट वाला ठीक है, आप देखो, और ये लुकिंग ग्लास है, इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लो, ठीक है, ठीक है, हो गया। अभी राइट वाले मिरर को चेक करो, देखो आपके पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है? नहीं। देखो इसमें आपको पूरा बोनेट दिख रहा है, दिख रहा है। एसयूवी चलाना बहुत आसान है, जैसे क्रेटा हो गई, वेन्यू हो गई, और ये स्कॉर्पियो हो गई, ये सब गाड़ी चलाना आसान होता है क्योंकि इसमें पूरा बोनेट दिखता है। बट ये जो है गाड़ी, इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 8 फीट है, राइट वाले साइड मिरर से और लेफ्ट वाले साइड मिरर से लेके 8 फीट। उसकी जो लंबाई है वो 13 फीट के आसपास है। मेरी गाड़ी जो आप चला रही थी उसकी 7 फीट चौड़ाई थी और लंबाई उसकी 12 फीट थी,
तो इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो अभी आपके सामने स्पेस तो है नहीं, तो आपको उसको बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैक करने के लिए उसको पहले ब्रेक दबाओ, सही से पैर रखो ढंग से, हाँ ये इस तरीके से, ठीक है। अभी उसको आर पे लेके जाओ, हो गया। अभी देखो बैक कैमरा आपका ऑन हो गया, ऑन हो गया। स्टीयरिंग सीधा करो, एकदम सीधा, ये। अभी धीरे से पीछे जाना है, देखो पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, नहीं। एकदम सीधा सीधा जाओ, इसको ब्रेक छोड़ दो, हल्का सा ब्रेक छोड़ना है बस, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, देखो डिस्प्ले में शो कर रहा है। अच्छा। हाँ, हैंड ब्रेक डाउन करो, पहले ऊपर उठाओ फिर बटन दबाओ, नीचे ले जाओ, बटन दबाते हुए नीचे ले जाओ, ऊपर उठाओ, अब बटन दबा के नीचे, ये। इसमें तीन ऑप्शन, तीन मोड होते हैं, देखो एक होता है इको, एक सिटी, एक स्पोर्ट। तो अभी ये है सिटी मोड पे, यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। हेडलाइट ऑन थी, चलो अभी जाओ धीरे धीरे, हाँ एकदम धीरे धीरे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। स्टीयरिंग आपकी राइट काटी, पहले एक अराउंड राइट काटो, देखो यहाँ डिस्प्ले में दिखा रहा है, हाँ और काटो, अब पहिया सीधा हुआ है आपका, ठीक है। अभी गाड़ी किधर जा रही थी देख रहे थे, अब जाओ राइट काटो एक बार और, गाड़ी टेढ़ी हो चुकी, राइट काटो, राइट अपना राइट, और काटो, और थोड़ा काटो, और हाँ बस अब जाओ पीछे जाओ, थोड़ा सा जाने दो, जाओ और जाओ और अब स्टॉप कर लो, अब इसको सीधी करके निकाल लो आगे, बस अब लेफ्ट काट लो हल्का सा, अब गियर चेंज करो, ड्राइव मोड पे लेके आओ, ड्राइव पे, ड्राइव मोड पे, एम पे लेके आओ, एम पे, बस चलो धीरे से लेफ्ट काटो मेरी तरफ, हाँ स्टीयरिंग तो घुमाओगे बच्चा, अगर स्टीयरिंग नहीं घुमाओगे तो गमले लेके चले जाओगे, पहले तो स्टीयरिंग घुमाओ मेरी तरफ, और घुमाओ, बस अब धीरे से क्लच छोड़ो धीरे से, हाँ और घुमाओ, हाँ बस अब सीधी कर लो, हाँ अभी ब्रेक लो हल्का सा। अब इसमें क्या है ना कि हल्का सा ब्रेक टच करोगे तो गाड़ी रुक जाएगी, वो मेरी गाड़ी की तरीके से नहीं कि ज़्यादा ब्रेक दबाना है, क्योंकि फोर डिस है इसके अंदर, चारों डिस हैं, तो इसमें क्या है ना कि आपको ज़्यादा ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं, आगे से रास्ता है ना, हाँ तो चलो लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, गुड, अभी जाओ धीरे से बढ़ाओ, हल्का राइट रखना, इसमें आपको ही संभालना है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, चलो लेफ्ट टर्न करो धीरे धीरे, हाँ जाने दो, काटो लेफ्ट और काटो, रुको रुको स्टॉप करो स्टॉप, आप उनके रैम पे लेके जा रहे हो, स्टीयरिंग ही नहीं घुमा रही हो, किधर घुमा रही हो, लेफ्ट की तरफ घुमा, पूरी घुमाओ ना, देखो इधर कितनी जगह छोड़ दी आपने, आप गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो, फिर अभी उनके रैम पे चढ़ जाएगी, टकरा जाएगी जाके, तो उसको बैक करो, रिवर्स में डाल दें, हाँ रिवर्स करो, राइट काटो स्टीयरिंग, और हाँ जाओ, यहाँ स्पेस कम है ना, चलो जाओ पीछे जाओ, स्टॉप, अब वापस गियर में डाल के निकालो, आराम से निकालना, जहाँ बैठे हो वहाँ से इसकी आगे हाइट भी दो, और काटो लेफ्ट और थोड़ा, बस अब धीरे धीरे निकालो और टर्न करो धीरे धीरे, हाँ बस चलो हल्का राइट काटना, हल्का सा राइट काटो, राइट राइट स्टॉप स्टॉप, अब इधर बच्चा लड़ जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ राइट, आपका राइट कौन सा है, अच्छा, तो फिर अब ऐसे कन्फ्यूज़ होगी तब तो हो लिया, फिर बस चलो बढ़ाओ धीरे से, क्योंकि इधर जगह ज़्यादा नहीं है ना, ये देखो स्पेस इस साइड नहीं है, छू जाएगी फिर, चलो जाओ धीरे धीरे बढ़ाना, एकदम धीरे धीरे, और राइट काटो, बस रोको, अब लेफ्ट आओ हल्का, आगे मलबा पड़ा है, लेफ्ट काटो और काटो लेफ्ट, निकल गई गाड़ी आपकी, जाओ बढ़ाओ धीरे से और काटो लेफ्ट, अभी सीधी कर लो, सीधी कर लो, बस ज़्यादा राइट नहीं, ज़्यादा राइट नहीं, बस धीरे से, अब हल्का राइट, इसको सीवर के ढक्कन को बीच में लो दोनों टायरों के, लेफ्ट का सिग्नल दो, थोड़ा ब्रेक दबा के, हाँ हाँ लेफ्ट ही तो जाओगे, काटो फुल फुल काटो, बस आराम से, हाँ अभी धीरे 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 सीधी करो, सीधी सीधी करो, हाँ लेफ्ट आओ, ज़्यादा राइट नहीं जाना है, सीधी करो, हाँ स्लो, यहीं स्लो करो, स्टॉप करो पहले, हाँ स्लो, अब लेफ्ट जाना है ना आपको, तो काटो लेफ्ट, हाँ चलो जाओ धीरे धीरे, एक्सीलेटर इसमें गलती से छूना मत, अभी सीधी कर लो आराम से, हाँ चलो जाने दो धीरे से, आगे से राइट ले लेना, इसको चलाना बहुत आसान है, बट क्या है ना थोड़ा सा कंट्रोलिंग, नई गाड़ी है, पावर ज़्यादा है, इसके फंक्शन भी आपको भी पूरी तरीके से पता नहीं है, है ना, ये चारों इंडिकेटर जलते हैं, इससे हज़ारा स्विच होता है, ये लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हाँ
और जब भी टर्न करना तो लेफ्ट वाले मिरर में जरूर एक बार देख लेना, टर्न करो लेफ्ट और हाँ बस अभी आराम से अभी सीधी करो, बस जाने दो, हल्का लेफ्ट आ जाओ स्लो करके। हॉर्न क्यों नहीं बजाया आपने यहाँ पे? आप गली से निकल रही तो हॉर्न कौन बजाएगा? हाँ अभी मान लो आपने आधी गाड़ी है? यही है जिसको पकड़ा था आपने, दबाओ ये। अभी नई गाड़ी है ना इसलिए हार्ड है, लेफ्ट टर्न करो और लेफ्ट लेफ्ट आओ, ज़्यादा राइट जाओगी तो लोग जो बाकी सामने सारे वो सब कहाँ जाएंगे। आराम से राइट जाना धीरे धीरे। हाँ लॉन्ग हॉर्न बजा दिया करो, आप हॉर्न थोड़ा कम बजाती हो, बिना एक्सीलेटर चल रही है ऑलरेडी, इतना पावर है कि विदाउट एक्सीलेटर चल रही है। जाने दो जाने दो, कोई नहीं आप चलते रहो, जब जगह मिलेगी तब साइड देना, हल्का सा स्पीड बढ़ा लो हल्का सा। हाँ फिर उंगलियों से दबा रही हो एक्सीलेटर राइट हो, मैंने क्या बोला है किससे दबाना है? अंगूठे से राइट को डिपर मारो, पासिंग डिपर दो उसको। हाँ इसको ऊपर उठाओ, ऊपर ऊपर, सिग्नल दे दिया आपने, ऐसे पुश करना है उसको ऐसे। हाँ ऐसे तब डिपर जलता है। जाने दो धीरे धीरे। हाँ अभी यहाँ से लेफ्ट जाना है आराम से। हाँ बस इसमें आपको साइड अपनी बचानी है कि आपके लेफ्ट और राइट में क्या चल रहा है। लेफ्ट का सिग्नल हॉर्न स्लो करके हाफ हल्का सा ब्रेक लेके, हाँ अपना लेफ्ट दबा के स्लो करके, हाँ काटो लेफ्ट और काटो और काटो और काटो और हाँ सीधी करो। सौम्य इसमें मेरे पास कुछ नहीं है, बात ध्यान रखना, सिर्फ बताने के अलावा और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। ठीक है संभालना पूरी गाड़ी आपको है, जरा सा भी स्टीयरिंग डिसबैलेंस आपने करी ना तो सीधा टकरा जाएगी, तो पूरी गाड़ी आपको संभालनी है, क्योंकि इसमें ना मेरे पास डबल क्लच ब्रेक है ना कुछ भी। जजमेंट आपको देखना है, हॉर्न आपको टाइम पे बजाना है कि आपके अगल बगल कौन चल रहा है, सिग्नल आपको टाइम पे देना है। ठीक है स्लो 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 जाओ धीरे धीरे, वो जबरदस्ती कर रहा है सफारी वाला। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हल्का राइट रखो राइट, हाँ राइट थोड़ा, बाइक खड़ी ना इधर, बस अभी राइट का सिग्नल दे दो नीचे को। हाँ और ब्रेक पे पैर लिया, और टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पे एक्सीलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए ब्रेक पे। हाँ और सही से ढंग से पैर रखो ब्रेक पे, आप सही से पैर नहीं रख रही हैं, छुपन छुपाई थोड़ी खेलना है, प्रॉपर ब्रेक पे बीचों बीच में पैर आना चाहिए। ठीक है अभी उसको साइड दे दो, स्कॉर्पियो वाले को बड़ा परेशान हो रहा है बहुत देर से, उसको जाने दो। देखो एक राइट से लेके गया एक लेफ्ट से लेके गया, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी इसलिए बीप की आवाज़ आ रही थी। भगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना स्लो चलाओगी उतना ज़्यादा सीख जाओगी स्लो। हाँ अभी हॉर्न दो लॉन्ग, पहले थोड़ा दूर से बजाया करो हॉर्न, 50 मीटर 100 मीटर पहले अलर्ट कर दिया करो सामने वाले को। ठीक है जाने दो धीरे धीरे। हाँ आराम से आराम से। हाँ स्लो, हाँ सीधा जाना दाएं बाएं देख के हॉर्न बजा के, उसको चलाना बहुत आसान है, बट थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई जो है ना उसको देखना बहुत ज़रूरी, लेफ्ट वाला मिरर राइट वाला मिरर लुकिंग ग्लास इनमें सब में देखना है कि भाई कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। बाकी चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये इसका सनरूफ है और बहुत गजब का है, और यहाँ से ये ओपन होता है, इस जगह से यहाँ से ऑफ होता है।
इसके अंदर यहाँ पर फ्रिज है, ये इसके अंदर आप अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं। ऑलरेडी चॉकलेट रखी हुई है पहले से। भगाना नहीं, भगाना नहीं, भगाना नहीं है, आराम से चलाना है, ठीक है, तेज नहीं चलाना है। जितना स्लो में चलाओगे उतनी बारीकियां सीख जाओगे, जितना फास्ट चलाओगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। अभी फर्स्ट डे है ना इस पे। बाकी गाड़ी बहुत प्यारी है, टॉप मॉडल है ना ये। ज़्यादा राइट मत लेके जाना। हाँ अभी इसका बहुत टाइट है, स्पीड कम, ब्रेक पे पैर सही से लाया करो, बीचों बीच पैंडल पे सही से पूरा पैर उस पे, पूरे पैंडल पे आना चाहिए, समझ। तभी तो सही से, अब फिर उंगलियों से दबाया अपने एक्सीलेटर, अभी उंगलियों से नहीं दबाना है, ठीक है, स्लो। कहाँ लेना है, लेफ्ट या राइट? ऐसा करो राइट ले लो, स्लो करके आराम से, धीरे 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 धीरे, स्लो स्लो स्लो। हाँ जाओ जाओ, चलो जाओ धीरे धीरे, हाँ राइट, धीरे 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 धीरे, हाँ एकदम आराम आराम से, हाँ चलो धीरे धीरे जाने दो। इसमें बंद होने वाला चांस नहीं, जैसे मेरी कार में क्या था कि अगर आपने क्लच दबाने में थोड़ा सा भी सहूलियत करी या लेट हो गई तो गाड़ी आपके इंजन ऑफ हो जाएगा, पर इसमें ऐसा नहीं है, इंजन नहीं ऑफ होगा इसमें। किसी भी कंडीशन में आप ब्रेक दबाओगे तो इंजन हमेशा ऑन ही रहेगा। अभी सीधा चलो आगे से, यू टर्न मार के लाना सीधा एकदम स्ट्रेट। यहाँ से यू टर्न मारना, यू टर्न के लिए राइट का सिग्नल दो नीचे को, हाँ अभी यहीं से यू टर्न मारना एकदम स्लो करके, जीरो की स्पीड में मारना है, दाएं बाएं देखते हुए, ब्रेक पे पैर रहेगा टर्निंग के टाइम, और स्पीड कम करो। अब यहीं से आराम से स्लो करके काटो, स्लो करो, इतनी स्पीड में नहीं टर्न करते हैं, हाँ जाओ धीरे धीरे सीधी कर लो, जितना स्लो रखोगे उतना इजी आसानी से कम जगह में गाड़ी मुड़ जाएगी, और जितना फास्ट करोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। चलो जाने दो। सो गाइस अभी फ़िलहाल तो ये चला ले रही हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आ रही, जिस हिसाब से इनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि फर्स्ट डे है, इससे पहले नहीं निकाली थी ना। अब कोई दिक्कत आ रही चलाने में, अब निकाल सकती हूँ ना इसको घर से। तो फाइनली मैं चेक करना चाह रहा था कि देखो इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, अकेले ही अपनी कार निकाल पा रही नहीं निकाल पा रही है, और मैंने फाइनली इनकी क्लास कंप्लीट करा दी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।